अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद फ़हीम जापान मशीनरी स्टोर से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी हर आने वाली नई प्रोडक्ट के बारे में अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को मुतारफ़ कराते हैं, ताकि आपको हर आने वाली नई प्रोडक्ट के बारे में मालूमात मिल सके और उसकी इंफॉर्मेशन से आपको फ़ायदा हासिल हो। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको बरवक्त मालूमात मिल सके। आज हम आपको सबमर्सिबल पंप के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि ये हमारी आने वाली एक नई प्रोडक्ट है, सबमर्सिबल पंप को आम जबान में मिसाइल पंप भी कहते हैं। ये अंडरग्राउंड जैसे बोर किया जाता है, बोर के बाद ज़मीन के अंदर डाला जाता है, ठीक है, और ये स्टील बॉडी में होता है। इस वक्त ये लेटेस्ट मॉडल हुंडई कंपनी का है, हुंडई कंपनी के सबमर्सिबल पंप है, और इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको अब बताते हैं। सबसे पहला मॉडल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हुंडई का सबमर्सिबल पंप है, जिसका मॉडल नंबर 3S 0.75 HP 2/21 इसका मॉडल है। ये 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई पे काम करता है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी ही काम करती है। 0.75 इसके HP हार्स पावर और इसके किलोवाट 0.55 किलोवाट है। 2850 RPM, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये हाई स्पीड पे काम करता है और ज़्यादा पानी उठा सकता है। अच्छा, इसके बाद इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी 5 लीटर पर मिनट, यानी कि 89 मीटर हेड पर ये 5 लीटर पर मिनट जो है ये पानी की सप्लाई करेगा, इसका जो जहाँ से पानी आउट होगा। इसके साथ यहाँ पे 25 लीटर पर मिनट के नीचे आपको ये शो हो रहा है कि 76 मीटर हेड के ऊपर ये 25 लीटर पर मिनट पानी देगा, और इसके साथ साथ 35 मीटर के हेड के ऊपर ये 45 की इसकी यहाँ पे वो शो हो रही है। ये 1 इंच के वाटर पम्प के 3 मॉडल्स हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये 1 इंच की फिटिंग में है, ठीक है, इनके 3 मॉडल है, जिसमें सबसे पहले मॉडल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। इसके बाद इसका दूसरा मॉडल है जो कि 3S 1 हार्स पावर में है, जैसा कि पहले आपको दिखाया था कि वो 0.75 हार्स पावर में है। और इसके बाद इसका तीसरा मॉडल 1.5 हार्स पावर, यानी कि 1.5 हार्स पावर का है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी इसके ऊपर मेंशन की गई है, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये पानी फ्लो करेगा, अगर इसका हेड 156 मीटर पर होगा। और इसी तरह से ये 25 लीटर पर मिनट पानी फ्लो देगा, तो इसका अगर इसका जो हेड होगा वो 130 मीटर होगा, और इसी तरह से ये 45 लीटर पानी देगा, और यहाँ पर इसका 65 मीटर इसका हेड होगा। साथ में इनके साथ साथ इनकी प्रोटेक्शन के लिए इसकी प्रोटेक्शन डिबी दी जाती है, जो कि मोटर को ओवर टेम्परेचर या इसके ओवर एम्पेयर, यानी कि इसके ऊपर ओवरलोड होता है या मोटर शॉर्ट होती है, तो फौरी तौर पे ये सिस्टम इसका ट्रिप हो जाए। अब हम हुंडई सबमर्सिबल पंप के एक और मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके आगे ये 1.5 इंच की फिटिंग के साथ है, और इसके भी 3 मॉडल्स हैं जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये है 1.5 इंच का हुंडई का सबमर्सिबल पंप। इसके इनके 1.5 इंच की फ़िटिंग के अंदर इनके 4 मॉडल्स हैं, ठीक है। 4 मॉडल्स का मकसद ये कस्टमर की सहूलत के लिए है, क्योंकि आम तौर पे कहीं पे भी आप सबमर्सिबल पंप को ख़रीदते हैं तो आपको वो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड साइज़ में मिलता है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा होता है और बहुत कॉस्टली आपको पड़ता है। लेकिन हुंडई ने इस बार जो सबमर्सिबल पंप इंट्रोड्यूस कराए हैं, वो सबमर्सिबल पंप आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपकी ज़रूरत के मुताबिक, यानी कि आपको जिस भी साइज़ में, जिस भी बोर में आपको सबमर्सिबल पंप चाहिए, जितनी भी मीटर आपने उसको डालना है और जितना पानी आपको रिक्वायर्ड है, उसके मुताबिक आपको सबमर्सिबल पंप मिलेगा, जिससे आपके रेट की जो कॉस्ट है वो नीचे आएगी। जैसा कि मैं आपको सबसे पहले ये 1.5 इंच के पंप का ये सबसे पहला मॉडल है इसके बारे में बता रहा हूँ। ये 4SO 0.75, यानी कि 0.75 हार्स पावर में ये मॉडल है। ये सिंगल फेज़, यानी कि 220 वोल्ट पे काम करता है, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 0.75 HP हार्स पावर है इसके, और 0.55 किलोवाट बनते हैं, और इसके 28
150 आरपीएम यानी कि 2850 इसकी स्पीड है, ठीक है। अब आप इसमें इस बात पे गौर करें कि यहाँ पर ये 55 मीटर इसके हेड है, तो इसका 20 लीटर पर मिनट पानी यहाँ पे फ्लो ये आपको शो करा रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे इसका 44 मीटर हेड है, तो यहाँ पे ये इसका 60 लीटर पर मिनट दिखा रहा है, और ये 100 लीटर पर मिनट ये 18 मीटर पे, यानी कि आप इसको ऊपर ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है कि इसकी डेप्थ जो है इसकी गहराई कम हो जाएगी, तो आपको पानी का फ्लो ज़्यादा मिलेगा और जल्दी मिल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये 100 लीटर पर मिनट पानी दिखा रहा है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, यहाँ पे इसका एक और मॉडल है, अब ये टोटली डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये इसका मॉडल 4S1 HP, अगर आप इसको 1 हॉर्स पावर में ख़रीदते हैं तो ये इसी तरह से सिंगल फेज सप्लाई के साथ 1 हॉर्स पावर और 0.75 ये इसके किलोवाट है, आरपीएम इसके सेम है, लेकिन यहाँ पे इसके इंपेलर को चेंज किया गया है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 20 लीटर ठीक है और 60 लीटर और 100 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी दे रहा है, तो इसके हेड को यहाँ पे वो चेंज कर रहा है, ये 69 मीटर पे जो इसका हेड जाएगा तो यहाँ पे ये 20 लीटर पर मिनट पानी दे रहा है, और ये 55 मीटर पे जब चले जाएंगे तो ये 60, और इसी तरह से 23 मीटर यानी कि जब आप इसको कम कर देंगे यानी कि आपका पानी करीब है तो ये 100 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी देगा। और इसका तीसरा मॉडल है 4S, ये 1.5 HP यानी कि 1.5 हॉर्स पावर के अंदर है, ठीक है। ये भी सिंगल फेज सप्लाई पे काम कर रहा है, 2800 RPM यानी कि 2850 इसकी स्पीड है, और 20 लीटर पर मिनट भी है इसका, और 60 लीटर और 100 लीटर, और इसी तरह से इसका जो हेड है वो 96 मीटर तक जा रहा है, और यहाँ पे ये 77 मीटर तक, और ये यहाँ पे 82 मीटर तक, यानी कि अगर 82 मीटर पर इसका हेड होगा तो यह 100 लीटर पर मिनट पानी देगा, ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। इसके बाद चौथा मॉडल जो कि 4S20 HPS है, ये 2 हॉर्स पावर में है, 1.5 किलोवाट में है, इसकी भी 2800 RPM है, और ये भी 20 लीटर 60 लीटर और 100 लीटर में है, लेकिन इसके अंदर हेड का फ़र्क आएगा, यानी कि आप इसको 124 मीटर पे इसका हेड रखेंगे, और इसी तरह से 90 मीटर पे, और यहाँ पे 41 मीटर पे, 41 मीटर यानी कि 41 मीटर पे आएगा तो ये 100 लीटर जो है आपको पानी देगा एक मिनट में, 41 यानी लीटर पर मिनट, 100 लीटर पर मिनट पानी का फ्लो देगा। इसके साथ साथ हुंडई के सबमर्सिबल पंप के साथ इसका की प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोटेक्शन DP इसका कंट्रोल पैनल है, जो कि इसको वोल्टेज, अगर आपके वोल्टेज ड्रॉप होते हैं या वोल्टेज हाई हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में ये ट्रिप करेगा इसको। इसका नहायत ही आसान तरीकाकार है, इसका ये ऑन ऑफ बटन है, और यहाँ पे इसके कंट्रोलर के लिए इसके लिए ये फ्यूज़ लगा हुआ है जो कि इसको प्रोटेक्शन फ्राहम करता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का हाई स्टैंडर्ड का इसकी DB है, जो कि इसको प्रोटेक्शन फ्राहम करेगी वोल्टेज के ड्रॉप होने से, हाई होने से, या अगर मोटर गर्म होती है या मोटर शॉर्ट हो जाती है तो इस सूरत में ये मोटर को फौरी तौर पे जलने से बचा देगी। अब हम आपको सबमर्सिबल पंप के 2 इंच के मॉडल के बारे में मालूम देते हैं। ये 3 इसके मॉडल्स हैं जो कि 2 इंच की, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 इंच की फ़िटिंग के साथ हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक मॉडल ये है जो कि आपको मैं क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 220 वोल्ट में है, 3 हॉर्स पावर है इसके, ठीक है। इसी तरह से ये 60 लीटर पर मिनट से लेकर 120 और 180 लीटर पर मिनट के तक ये पानी दे सकता है, ठीक है। इसमें डिपेंड करता है कि अगर आप 31 मीटर हेड पे इसको रखते हैं तो ये 180 लीटर पर मिनट पानी यानी कि मैक्सिमम पानी देगा, और इसी तरह से अगर आप इसको 74 मीटर हेड पे रखते हैं तो ये 120 पे देगा, और इसी तरीके से अगर 90 मीटर पे होगा तो ये बड़ा क्लियर, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 90 मीटर हेड के ऊपर ये 60 लीटर पर मिनट देगा। इसके बाद एक और मॉडल है, इसका मॉडल नंबर भी आपको नज़र आ रहा होगा, अच्छा। अब हम इसका एक और मॉडल आपको दिखा रहे हैं, ये 200, ये भी 220 वोल्ट पर काम कर रहा है, ये भी 2 इंच की फ़िटिंग में है, 2 इंच की फ़िटिंग के साथ है, दो सौ बीस वोल्ट 3 हॉर्स पावर, और इसी तरीके से 90 लीटर पर मिनट से लेकर और ये 270 लीटर तक है। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया है कि पहले वाला मॉडल
जो है मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि ये 180 लीटर तक जो है इसका हेड है, लेकिन इसका हेड जो है इसके इंपेलर ज़्यादा हैं, इसका साइज़ भी उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो ये इसका जो पानी का फ्लो होगा वो 270 लीटर तक है। और इसी तरह ये एक और मॉडल है जो कि ये थ्री फेज़ के लिए भी है, जो कस्टमर इसको थ्री फेज़ पर चलाना चाहते हैं। ये देखें 380 वोल्ट सेम इसी हार्स पावर में, 3 हार्स पावर में, ठीक है। और ये 90 लीटर से लेके ये भी 270 लीटर तक है। अब इसके अंदर इसका हेड 62 मीटर से लेकर और 20 मीटर तक जा रहा है। अब इसमें चौथा मॉडल ये है 44 HP, ये 4 हार्स पावर में। पहले जो आपको मॉडल दिखाए थे वो 3 हार्स पावर में थे, ये 4 हार्स पावर 4 HP, ये भी 3 फेज सप्लाई पर काम करेगा। 3 किलोवाट है, 850 इसके RPM यानी इसकी स्पीड है, ये भी 270 लीटर तक इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। और इसके ये इंपेलर का साइज़ भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा इंपेलर है, ठीक है। आप इसे ज़्यादा गहराई तक इसको डाल सकते हैं। इसके बाद पाँचवें नंबर पर ये मॉडल है हुंडई का, ये भी 3 फेज पर काम करता है, ये 5.5 हार्स पावर में है, ठीक है। ये भी 2 इंच की फिटिंग में है और इसी तरह से RPM इसके सेम है, ये भी 270 लीटर तक मैक्सिमम पानी देगा, 26 मीटर जो अगर आप इसके डेप्थ में इसके हेड इसका रखेंगे। अच्छा, ये लास्ट में मैं आपको एक ये पंप दिखा रहा हूँ जो कि सबसे बड़ा है, ठीक है। इसका इंपेलर का साइज़ ये आप देख सकते हैं आपके सामने है, मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन भी दिखाता हूँ, ठीक है। इसका मॉडल नंबर है 47.5, ये 7.5 आर पावर यानी कि ज़्यादा इसकी जो HP है इसकी हार्स पावर ज़्यादा है, ये भी 3 फेज पर काम कर रहा है, 7.5 HP आपको नज़र आ रहा है और 2800 RPM है और ये 270 लीटर तक है, लेकिन ये 33 मीटर जो होगा, अगर आप इसे 33 मीटर का हेड देंगे तो ये 270 लीटर पानी फ्राम करेगा और इसी तरह से 139 मीटर हेड के ऊपर ये मीटर हेड के ऊपर ये 90 लीटर पर मिनट जो है ना इसकी पानी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब मैं आपको एक सबसे लेटेस्ट सबसे जदीद पंप के बारे में बता रहा हूँ जो कि इस दौर का सबसे लेटेस्ट पंप है। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, आप इसकी डायरेक्शन इसकी देख सकते हैं। इस पर इसका फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये ख़ास तौर पर जहाँ पर आपको हाई हेड पर ज़्यादा ऊंचाई पे पानी पहुंचाना है या आपको ज़्यादा प्रेशर चाहिए, ये हाई प्रेशर पे भी काम करेगा। और ख़ास तौर पे आपको जैसे सर्विस पंप पे आपको ज़्यादा प्रेशर चाहिए गाड़ियों की सर्विस के लिए, उस पर भी काम करेगा। मैं आपको इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर आपको नज़र आ रहा है तो इसका मॉडल भी आप देख सकते हैं। ये 0.75 किलोवाट से ले कर ये 1 किलोवाट और 1.5 किलोवाट तक होता है। और इसकी स्पीड देख लें, छोटा सा पंप है, ये 2800 RPM यानी 2800 चक्कर हैं और इसका हेड 65 मीटर तक यानी ये 65 मीटर तक जो है ना ये आपको पानी आसानी के साथ फराम कर सकता है। और ये हैवी ड्यूटी के लिए है यानी कि ये कंटिन्यू चला सकते हैं आप इसे, 12 से 13 घंटे मुसलसल चला सकते हैं इसे, बिल्कुल भी ना ये गर्म होगा और ना ही इसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट आएगा। ये सिंगल फेज पर काम करता है और इसके एम्पेयर भी बिल्कुल कम है, 3.5 एम्पेयर तक जो है ना ये आपकी बिजली की सेविंग भी है इसके साथ साथ। लीजिए फ्रेंड्स, अब हम आपको सबमर्सिबल पंप की एक और किस्म के बारे में बताते हैं और आपको इसका दिखाते हैं। इसके अंदर ये सबमर्सिबल डर्टी वाटर सबमर्सिबल पंप होता है, इसको आप ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपका जोहर तालाब और डर्टी वाटर है वहाँ पे भी आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ लॉन्ग वायर है और साथ में ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये इसमें फ्लूट स्विच भी लगा होता है कि अगर पानी ख़त्म हो जाएगा तो ये फ़ौरी तौर पे पंप को ट्रिप कर देगा, पंप बंद हो जाएगा। ऐसे मतलब अगर पानी आपने किसी जगह पे स्टोर किया हुआ है तो या आपने कोई स्प्रे करना है या कोई केमिकल बनाया है उसको स्टोर कर रखा है और उसकी मकदार ख़त्म हो गई है तो ये पंप ट्रिप कर जाएगा। इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका मॉडल HYSPD 1.5 यानी कि ये 1.5 हार्स पावर का ये पंप है
ठीक है, और इसकी ये मॉडल हो गया, और मैक्सिमम इसकी जो है जो पानी की क्वांटिटी है वो 350 लीटर पर मिनट है, ठीक है। इसके साथ साथ ये इसका मैक्सिमम हेड यानी इसे 15 मीटर तक आप इसे इसका ये आपको हेड फ्राम करेगा 15 मीटर तक। 2 इंच की इसकी ये फिटिंग है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। और इसी तरह से मैं आपको मज़ीद दिखा रहा हूँ, ये 220 वोल्ट यानी सिंगल फेज सप्लाई पे काम कर रहा है और 2850 आरपीएम जो है इसके मैक्सिमम इसकी स्पीड है, ठीक है, और 1.1 किलोवाट यानी 1.5 हॉर्स पावर इसकी। व्यूवर्स, आपको एक और चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस कराता चलूँ। इस वक्त हमारे पास यहाँ पे प्री पैरल सबमर्सिबल पंप भी मौजूद है, ये इस टाइम सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इस पंप के अंदर यहाँ पे जहाँ पर आपको आमतौर पर एम्पेलर होता है, इसके अंदर एम्पेलर नहीं होता, इसके अंदर एक लेटेस्ट किस्म की थ्रेड टाइप पुली होती है जो कि हाई स्पीड पर पानी को फ्राहम करती है। सेम इसके अंदर भी इसी तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्लूड स्विच लगा होता है और लॉन्ग वायर है, ये वाटर प्रूफ पम्प होते हैं, ये पानी के अंदर आप इसको आसानी से डाल कर ला सकते हैं। इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये इसका ऊपर मॉडल नंबर लिखा हुआ है HYSP1H28SP1, और साथ में इसका जो यहाँ पे 125 लीटर पर मिनट है ये इसकी वाटर की कैपेसिटी है, यानी कि एक मिनट में ये 125 लीटर पानी आपको फ्राहम करेगा। और इसका जो मैक्सिमम हेड है वो 32 मीटर तक आपको ये हेड फ्राहम करता है। ये 1 इंच के साइज़ में है, ठीक है, 220 वोल्ट यानी सिंगल फेज सप्लाई पे आप इसको आसानी से चला सकते हैं। इसके साथ इसमें लॉन्ग वायर है, इसको आप बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाटर पंप आप फूड प्रोडक्ट्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इसको हाई प्रेशर के लिए और इस किस्म की जगह जहाँ पर आपको ज़्यादा ऊँचाई पर कम से कम इसकी ऊंचाई देखें, यहाँ पर इसके अंदर मेंशन की हुई है कि आप इसको 32 मीटर हाइट तक आप इसको ये आसानी से आपको पूरे प्रेशर के साथ जो है पानी फ्राहम करेगा।